हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर यूट्यूब पर आज आपसे चर्चा करूंगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसी को मार्टिन रूल भी कहते हैं। चलिए पेन और कॉपी अपनी उठा लीजिए और मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये हर साल CBSE बोर्ड में इस क्वेश्चन का पूछा जाना लगभग तय रहता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से सीखते हैं। चलिए बेल हो जाए, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा सीखते हैं अच्छी तरीके से, और ऐसे दो से चार क्वेश्चन आप ज़रूर लगाइएगा। अब देखिए कैसे इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए होगा क्या, हम पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं हम 1, 3, 4, 2, 1, 2, 5, 1, 1। अब यहाँ पर लिखेंगे हम XYZ। इज इक्वल टू 8, 5, 7। अब अगर ध्यान से देखें तो ये देखा जाए, ये जो ऊपर लिखा हुआ लीनियर इक्वेशन थ्री इक्वेशंस हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखो तो ये मैट्रिक्स फॉर्म सेट हो सकता है। कैसे? अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे तो 1 का x में होगा तो x प्लस 3y प्लस 4z, देखिए आ गया। और जब इक्वल कराएंगे तो 8 आ जाएगा। इसका जब इससे कराएंगे तो आपको यही मिलेगा, यानी आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे और जब इक्वल कराएंगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी। यानी हमने इस पूरे सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। अब क्या होगा दोस्त कि इसको हम बोल देते हैं कैपिटल लेटर ए से कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स बी है। अब स्टूडेंट हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये जो मैं करने जा रहा हूँ आपको हर स्टेप में नहीं दिखाना है, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ। आप बोथ साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिए लेफ्ट साइड में, करेक्ट है, लेफ्ट साइड में करेंगे। ध्यान दीजिएगा ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो सब जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है ए इनवर्स बी। और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स इक्वल टू आ गया ए इनवर्स बी। अब बात आती है ए इनवर्स की, तो हम आपको बता दें कि ए इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए इस वीडियो में हमें एक आसान सी बात मेरे लिए ये है कि ए इनवर्स का जो मैंने फॉर्मूला लिखा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्टूडेंट अब यहाँ पर कहते हैं कि मान लीजिए अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो तब क्या मिलता है सोल्यूशन, करेक्ट है। इसका एक पूरा फ्लो चार्ट होगा, वो इस वीडियो में बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो पर हम चर्चा भी करेंगे उस पर। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और रख देंगे। अब बात रही एडजॉइंट ऑफ ए, हम फिर से यहाँ निकालेंगे तो 15 से 20 मिनट आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में, डिटरमिनेंट ऑफ निकालने में 15-20 मिनट नहीं तो कम से कम 5 मिनट तो लगेगा ही, और लिखने में समझाने में समय लगता है। तो आप इसके पहले वाला जस्ट वीडियो वॉच कर लीजिए, मैंने इसमें अच्छी तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखाया है। 28 मिनट का वीडियो है उसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखाया है बहुत अच्छे से, आप उसको वॉच कर लीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए मेरे पास, एक्चुअली मैं इसका मैंने सोल्यूशन पहले ही कर लिया है, तो इसका बता दूँ इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 11 आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं सभी लोग, जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट के मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया है। और इसके बाद इसके जो कोफैक्टर्स आएंगे, और कोफैक्टर के बाद जो एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये काम देखिए अब आप जो भी समझिए इसको, मैं पहले से मैंने इसलिए सोल्यूशन इसका कर लिया था, ऑलरेडी मैंने इसीलिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए का वीडियो बनाया हुआ है। अब यहाँ पर मेरे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है वो देखिए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है -1, 1, 2, 8, -19, 6, -3, 14, वो
आज ही मैंने इसका वीडियो रिलीज़ भी किया है, ये एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से दोस्त मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। अब हम आगे का काम हम समझा दे रहे हैं आपको कि अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये x इक्वल टू ए इनवर्स बी, जब आप बोर्ड में क्वेश्चन लगाएं तो आप डायरेक्ट ए एक्स इक्वल टू बी के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं। ये स्टेप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर दिखा देंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर x इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिवाइड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए में इन टू बी इक्वल टू एक्स। नाउ वी कैन पुट वैल्यूज, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, देखिए क्या होगा, माइनस वन वन टू एट माइनस नाइनटीन सिक्स माइनस थ्री फोर्टीन माइनस फाइव इंटू बी जो है हमारी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है एट फाइव सेवन। तो यहाँ पर x का मतलब है एक्स वाई जेड से, करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है इसमें जनरली हम देखते हैं बच्चों का कोफैक्टर कोई ना कोई एक गलत हो जाता है, क्या कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि बच्चे कभी कभी जल्दीबाजी में 11 को डिवाइड करते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पर 1/11 लिखे रहें दो, करना क्या है कि अब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एट प्लस फाइव प्लस फोर्टीन, फिर आप इसका इसमें कर दो तो हो जाएगा 64 माइनस 95 प्लस 42, फिर माइनस 24 और 70 और माइनस 35, करेक्ट है। यहाँ पर एक्स वाई जेड अपनी जगह मौजूद है। देखिए भाई यहाँ पर अब जोड़ना घटाना है, ये बहुत गलत होता है। 14 और 5 19 और 19 में 8 जाएगा 11 होगा, करेक्ट है। अब यहाँ पर 64 और 42 अगर जोड़े तो 64 और 42 यहाँ पर 4 2 6 6 4 10 106 और उसमें 95 घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 में से 5 गए 10 में 11 यहाँ भी मिलेगा तो यहाँ भी 11 आएगा। और यहाँ पर 70 में 35 घटाएंगे तो 35 मिलेगा, और 35 में अगर आप 24 घटाएंगे तो 5 में 4 गए 3 में 2 गए 11 मिलेगा। तो फिर आप 11 का अगर यहाँ डिवाइड कर दें तो 111, और यहाँ पर भी चल रहा है आपका एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर कंपेयर जब कराएंगे अगर आप, तो कंपेयर कराने पर एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 1 जेड की वैल्यू 1, तो आपका जो आंसर आया एक्स इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 जेड इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये आंसर आपका सही है या गलत इसको आप चेक कर सकते हैं। आप क्या करें कि x और y और z की वैल्यू यहाँ रख के देखिए, देखिए 111 4 3 7 और 1 8 बराबर है, यहाँ भी रख लीजिए x y z की वैल्यू 111 तो 5 x 6 x 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्त मैंने यहाँ पर एक काम डायरेक्ट कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दी और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी। तो स्टूडेंट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एडजॉइंट ऑफ ए बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो मैंने कोई चीटिंग नहीं की है और आपको पेपर में फ़िलहाल पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो यही क्वेश्चन भाई जो वीडियो 10 मिनट का ये वीडियो 25 मिनट का एक्सटेंड हो जाता है एक्सप्लेन करने में। अब इस वीडियो में तो नहीं लेकिन एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं जीरो होना चाहिए, अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा, फिर हम इसी को क्रैमर रूल से भी बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल से कैसे करते हैं, वो क्रैमर रूल सीबीएसई बोर्ड में अलाउ नहीं है बट आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं, हम उससे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियोस कैसे समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, अच्छे लगते हैं, एक्सप्लेनेशन में कोई कमी हो तो आप बताइए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लिंक को शेयर करिए, आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं इस समय क्लास 11th और 12th की दोनों लगातार क्लास ले रहा हूँ। YouTube पर कंप्लीट मटेरियल, फ्री मटेरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।